क्यों हमेशा एक विधवा औरत के लिए ही बनाई जाती है बंदिशें। बेटा आज ये क्या पहन लिया है तुमने, सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद ब्लाउज, सूनी कलाइयाँ। तो क्या हुआ मम्मी, आप भी तो रोज़ ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। आज मैंने पहन लिया तो आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? बेटा मेरी बात अलग है, मैं एक विधवा हूँ। मैंने हमेशा के लिए अपना पति खो दिया है। मैंने भी तो अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया है मम्मी। देखो बेटा, तुम्हारी बात भी सही है, पर हमारे समाज में लोगों ने विधवाओं के लिए कुछ बंदिशें। जाओ बेटा, तुम जल्दी से कपड़े चेंज करके आओ। तुम्हें ऐसे देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। मम्मी, बंदिशें सिर्फ विधवाओं के लिए ही क्यों, विधवों के लिए क्यों नहीं? बुआ जी के मरने के बाद फूफा जी के रहन सहन में कुछ फर्क पड़ा? नहीं ना, बल्कि उन्होंने तो साल भर बाद ही दूसरी शादी भी कर ली। खैर छोड़िए उनकी बात, मम्मी आपको सफ़ेद साड़ी में देखकर मेरा भी कलेजा फटा जाता है। आप किन लोगों की और किस समाज की बात कर रही हैं? पापा के जाने के बाद समाज के किसी भी लोग ने झांक कर देखा है कि हम कैसे हैं? नहीं ना, तो हम क्यों परवाह करें उनकी या क्यों माने ऐसी बंदिशें? सॉरी माँ, पर आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। मम्मी मैंने ठान लिया है कि जब तक आप सफ़ेद कपड़े पहनना बंद नहीं करेंगी, तब तक मैं भी सफ़ेद कपड़े पहनना बंद नहीं करूंगी। जो होना था वह तो हो चुका, अब आगे की पहाड़ सी जिंदगी हमें पापा के बिना ही बितानी है। अंततः बेटी की जिद के आगे माँ को झुकना ही पड़ा। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़।